धूमधाम के साथ मनाई जाती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कोलकाता की जनता आज एक बार फिर गांगुली भाई नाम के राक्षस का अंत चाहती है। जनता की मांग है कि गांगुली भाई को फांसी हो। अगर कोर्ट ने गांगुली भाई को फांसी दी तो ये पूरे कोलकाता के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। कैमरामैन महेश के साथ मैं आसावल। सुना आपने, वो साली रिपोर्टर क्या बोल रही है? उसका काम है रिपोर्टिंग करना, कोर्ट का काम है मुजरिम को सजा देना। ऊपर वाले ने जिसको जो काम सौंपा है उन्हें करने दो। मतलब भाई को फांसी हो जाएगी क्या? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देखते जाओ आगे का खेल। सब लोगों का यही 10 मिनट बाद यही रिपोर्टर गांगुली भाई की फरार होने की न्यूज देगी। तेरी बत्ती नहीं जली? एक ऑफिसर को हमने खरीद लिया है। वो कानून के साथ गद्दारी करेगा या हमारे साथ वफादारी, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। और वो गांगुली को अपने साथ ले गया। वो साउथ कोलकाता की तरफ बढ़ रहा है सर। मुझे और फोर्स चाहिए, जल्दी भेजिए।
भी बलदेव के साथ मिले हुए हैं। वो बलदेव सहाय है, वो नहीं रुकेगा। शूट है। हादसे में बलदेव सहाय की मौत हो गई। हेलो, चली गई है और उनकी हालत और भी बिगड़ती चली जा रही है। नमस्ते मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी। एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक राम है तो दूसरा रावण। सब किस्मत का खेल। आजकल इतने नेक मिनिस्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज तक बिना मांगे आपने मुझे सब कुछ दिया है। बेटे के पापों की सजा उसकी माँ को क्यों दे रहे हो? इस मतलब ही दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। मेरी माँ का जीवन लौटा दो। सर, आप दोनों इस शहर के जाने माने कॉपरेटर्स हैं। मैं आप दोनों से एक विनती करना चाहता हूँ। गणपति बाप्पा के विसर्जन को मत रोकिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों मान जाइए और विसर्जन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मुझे मत सिखाओ अंकल, सबसे पहले गणपति लेकर मैं आया हूँ। पहले मेरे गणपति का विसर्जन होगा, मैं और कुछ नहीं जानता। कम से कम मेरी hey, कुछ बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये पूरा इलाका हमारा है, पहले हमारे गणपति का विसर्जन होगा। ये तो गुंडागर्दी है सर। निकल बुड्ढे। अरे भाई, आप लोग तो पुलिस वाले हैं, आप लोग इनको कुछ कहते क्यों नहीं? हमने मुंह खोला तो ये हमारा भी विसर्जन कर देंगे। हमें तैरना भी नहीं आता। अरे भाई, यहाँ इस गुंडागर्दी को रोकने वाला कोई है? क्या बोलते हैं चाचा, आ गया ना अपना हीरो। ये बनाएगा सबको जीरो। बाजा बजाओ रे। काय प्रॉब्लम है लेले? तू कौन है रे? हमारे आपस का मामला है, तू बीच में मत बोल। जेल में एक बार मैं जिसको डालूं उसकी बेल जेलर भी नहीं करा सकता। 15 अगस्त को सिर्फ तिरंगे के सामने है बंदे का सर झुकता। पूछ ले जनता से।
बेइज्जती की है तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जो मेरा 2.5 किलो का भेजा फिराएगा, त्याला में फेरों डागनार। एक ही फटके में धूल चटा दी, मेरे पंटरों की तो हालत खराब हो जाएगी। अब आप ही फैसला कीजिए, सेंटर में रूलिंग पार्टी मेरी है तो सबसे पहले विसर्जन मेरे गणपति का होगा ना, बताइए। लेकिन ये मेरा वार्ड है, पहले मेरे गणपति का विसर्जन। बस गणपति वर्सेस गणपति का फैसला खुद गणपति करेंगे। क्रेन कांड का है पापा। क्या बोल रहे हो पापा, खुद के लिए वोट खरीदे तुम्हारे नाम से नोट लेकर? खर्च डोनेशन के नाम पे 50 लाख रुपया लिया, तुम्हारी बेटी में 5,000 डाला, बाकी का SBI में डाला। कायमंटा SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सविता भाभी इन्वेस्टमेंट। बापा ने सही बताया। ये क्या सर, एक मूर्ति कैसे बोल सकती है? कोई शक, बापा लुच्चे टुच्चो से बात क्यों कर रहे हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है मैं लुच्चा टुच्चा हूँ, बापा से इसके बारे में पूछिए। तुझे सोच माला आवड ली रे, शिफ्ट। दूसरे का राज खोलिए। अच्छा उड़ी उड़ी बाबा, आयो क्या रे? बीपी मत बढ़ाओ, पहले ये बताओ कि बापा ने क्या कहा? KVB मर गया। KVB मतलब कविता विनिता बबीता, ये मेरे सारे सीक्रेट जानता है। इस सीक्रेट अकाउंट का खाता खोलूं? अरे कॉर्पोरेटर की भी इज्जत होती है, मुझे कोई जल्दी नहीं, उसे करने दो। KVB का राज बताओ सर, अपने नेता के बारे में पब्लिक जानना चाहती है। तू चाहता है मैं सविता भाभी की पोल खोलूं? अगर हमने सर की बात नहीं मानी तो हमारी इज्जत उतर जाएगी। सर आप नीचे आइए। नीचे से पुलिस स्टेशन से हैं? ये सिर्फ मैं जानता हूँ सर। मिलो रे। अब तू कौन है बे? नाम है शक्ति सिंह, डेसिग्नेशन सर्कल इंस्पेक्टर, स्टेशन बहादुरपुरा। अंडरवेयर को छोड़कर इसने सब कुछ मेरा पहन रखा है, और तो और इस वक्त मेरे ही नाम की ड्यूटी बजा रहा है। नकली पुलिस वाले की असली जगह तो जेल में है। रिश्ते में मेरी बीबी का भाई है, इसलिए झेल रहा हूँ। अब समझा, तुम इसके जीजा हो? हाउस मैन। इसे पुलिस में नौकरी नहीं मिली तो सन की हो गया, हर रोज मेरी यूनिफॉर्म और मेरी ड्यूटी दोनों चुरा लेता है। ये बात है, बहुत हो गया ये चोर पुलिस का खेल। बचपन का अधूरा खेल आज पूरा हुआ। आपने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, मुझे तो रोज हॉरर फिल्म देखनी पड़ती है। हमारी इन्फॉर्मेशन निकालता है वो भी नकली पुलिस बनकर, शर्म नहीं आती? मैं बचपन से झोलर है रे। दीदी प्लेट खाली हो गई, जल्दी से खाना लाओ, फ्लोर टूट जाएगा। हाँ ला रही हूँ भैया। चिकन तुम खा लो, चावल तुम्हारे लिए, बटर चिकन का चिकन तुम्हारे लिए, और ग्रेवी तुम खाओ। अगर ताई क्या करते हैं, मिठाई पण बाकी है। अरे खाना खाएगा नहीं तो एब्स कैसे बनेंगे, वरना इनकी तरह पेटू दिखेगा। आपका कुछ नहीं हो सकता डैडी, खाना खाइए। ये साउंड इफेक्ट्स बंद करिए यार। दीदी नेक्स्ट आइटम। ये ले मीठे आपूस, तुम ये खाओ। इतना सारा मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? ये भी इसे ही खिला दो, मैं उपवास रख लूंगा। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? भैया को खिला रही हो और सैया को भूखा मार रही हो। उसको चिकन की टांग, मुझे दे रही हो टांग, उसे फ्रूट्स और मुझे गुठलियाँ। मेरा पेट पेट नहीं। अरे इसे पुलिस में जाना है, बॉडी तो बननी चाहिए ना? अरे इसकी बॉडी बन जाएगी और मेरी डेड बॉडी। तो मांडवली कर लो, मुझे पुलिस में भर्ती करवा दो, फिर घर में जो ठूसना है ठूसना। अच्छा पुलिस को पागल समझ रखा है जो तेरा वेलकम करेगी? आवेल मुझे मार। घूर क्यों रहे हो? मैं पुलिस वाला हूँ, मुजरिम नहीं। शक्ल से तो आप दर्जी दिखते हैं डैडी। चुप है। अगर खाना हो गया हो तो मैं अपनी तशरीफ अंदर लाऊं? अबे और कितना अंदर आएगा, वैसे है कौन तू? मुझे नहीं पहचाना, मैं लल्लू लल्लन। हाँ क्या कहा लल्लू? सरिता भाभी शैम्पू होगा, पार्टी में जाना है। क्या बात है लल्लू, पहले स्लम डॉग के भिखारी लगते थे, अब मिलियनर लगने लगे हो, सीक्रेट कहाँ है? पहले मैं खामोश, तुम्हारी भिखारी वाली स्टोरी मैं सुन चुका हूँ, अमीर वाली सुनाओ। जिंदगी में अपना लक पहनना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अपने लक को अपनी उंगली से कभी भी दूर नहीं रखता, और ये इसी का कमाल है। पप्पी लहरी अंगूठी कहाँ मिली? निरुपमा जी ने दी। हाँ? पहले मैं गांव तत्काल टिकट लेकर चालू डिब्बे में जाया करता था, अब मैं अपनी नैनो से गांव जाता हूँ। बस एक अंगूठी आपकी तकदीर बदल दे। जर माजी नहीं बदलना तो मैं तुझे चेंज करना। चा मारी टोपी दे राशन बिक्री चालू है, कहा है 6 महीने 35 दिन बाद का अपॉइंटमेंट है, दू क्या?
स्टॉप स्टॉप वहीं रुक जाओ। बिल्ला लिया? उठला बिल्ला। बिना बिल्ले के तुम अंदर घुस नहीं सकते, इसे बिल्ला देना बिल्ली। चुप करेगा या मेरी चप्पल खाएगा? कितनी बार बताया तुझे, कुत्ते इसे बिल्ला नहीं टोकन कहते हैं। सॉरी जान, मेरा घोड़ा पीछे तुम्हारी घोड़ी आगे। अपना बिल्ला पकड़ के खड़े हो जाओ। इस लाइन ये लाइन छोटी क्यों है? इनकी बदल चुकी है और इनकी बदलने वाली है। क्या बदलेगी? तकदीर। पीछे से कोई शॉर्टकट का खाचा नहीं है? निरुपमा जी आ गई। सब लोग अपना अपना बिल्ला हाथ में पकड़ कर तैयार हो जाओ। निरुपमा जी, सुनकर लगा था बिग बी की माँ एक ही दीवार वाली, पर ही पोरगी हॉट कैलेंडर मॉडल लग रही। दीदी इसे हाथ में पकड़ो, आप तो महान हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, उठो, मेरा ग्राहक है। 200 बार शादी के लिए रिजेक्ट हुआ, पंजाबी सिंधी गुजराती मराठी सभी लड़कियों ने मुझे 2-2 बार रिजेक्ट किया, लेकिन जब से आपकी दी हुई ये रिंग को मैंने पहना है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। जिस गली से गुजरता हूँ एक ही आवाज आती है, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब सिर्फ रिंग का कमाल है, तो नारे लगाना। ग्रेट माता निरुपमा देवी की जय। ये मेरी तरफ से पकड़ो। माता आपकी वजह से मैं मुर्गी चोर से डॉन बन गया, पहले मुर्गी किडनैप करता था, अब आदमी किडनैप करता हूँ। मुझे दुबई से बैंकॉक से भी ऑफर आने लगे। माता आप साक्षात देवी है, माता साक्षात देवी है। मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो देवी माँ का अवतार हूँ। निरुपमा जी के, निरुपमा जी के। माता की उम्र लंबी हो। अबे काली, तेरी फेकोलॉजी एकदम कमाल की थी। भोली जनता को गोली क्यों दे रहा है तू? ये सोने का पानी कहाँ से चढ़वाया? सोने का पानी नहीं है, असली है वो। बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तू? तुझे कट कितना है? लगता है ये मुझे जेल भिजवाएगा। आया मालकिन। मालकिन आज लेट हो गई, लेडी दी क्या? लेट नहीं, अपने परसेंटेज से इरिटेटेड हूँ। क्यों, इतना कम है क्या? कम नहीं, बहुत कम है। 50% तो दे रहा हूँ ना। एक काम करते हैं, मेरा 95% कर दो। और मेरा सिर्फ 5%। ज्यादा है क्या? तो वो भी मैं रख लूँ? तुम मेरी हर चीज में 50% पार्टनर हो। मेरे पार्टनर बनने से पहले का हाल तुम्हें याद तो है ना? ले लो ले लो ले लो रिंग, ले लो 10 रुपए में रिंग ले लो। रुकिए, आपकी उंगली में अपनी रिंग दूं क्या? जाके अपनी बीवी को दे। बाप रे, छी छी, लोगों की सोच कितनी गंदी हो गई है। रिंग डलवा लो, रिंग डलवा लो। अरे मैडम, रिंग डलवाओगी? घर में माँ बहन नहीं है, कुत्ते। पता नहीं लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। शादी वाली के साथ तलाकी फ्री। मैडम मैडम आप ले लो, मना मत करना। टैलेंट आपका था लेकिन पब्लिसिटी तो मेरी थी ना। इसे पब्लिसिटी कहते हैं? वो मोटे को देखो, एग्जाम का रेफरेंस देने के बजाय लड़कियों का रेफरेंस देने लगा। और वो दूसरा बेवकूफ, उसे कहा था कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताना, तो कहता है अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया हूँ, पुलिस को पता चलेगा ना तो हमारा शटर डाउन हो जाएगा। हाँ, मैं आऊंगा। अंदर क्यों आ गए? अबे बीच में मत बोल, दो चाय बोल। जी बताइए। यहाँ कैसे बताऊँ, वो अपनी छोटी बहन से बोलने में क्या शर्माना? तूने अभी तक चाय नहीं बोली। बचपन में जब मैं छोटा सा था तो रात को 1 बजने के बाद नींद नहीं आती थी, और अगर नींद आती तो सपने में वो आती। अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप कहें तो बोल दूं मैं। क्या बोल रहा है? 1 मिनट मालकिन, देखो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप डॉक्टर चिल्ली के पास जाओ। गिलहरी, एक चाय दूध भर भर के। वर्दी आती है मेरे सपने में, बचपन से ही मेरे को पुलिस ऑफिसर बनाई चाहे। इंस्पेक्टर, ACP, DCP, कमिश्नर। हाँ मैं समझ गई, तुम्हारे अंदर एक आग है। तुम्हें मैं दूंगी। इस नवरत्न को उंगली में डालने से। डालने से क्या, डाल दी। रिंग डालते ही गोली कहाँ से चल गई? इस उंगली से ट्रिगर कब दबाऊंगा? 24 घंटे में रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस। यहाँ से निकलकर राइट जाकर लेफ्ट जाओ और 1 लाख रुपए भर दो। धन्यवाद। निरुपमा जी, अगर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो। अरे बाप रे, मतलब समझी ना? नहीं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें समझा दूंगा। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इसका बहुत ही बकवास। मालकिन, लगता है इस बार रिंग गलत उंगली में फंस गई है, मुझे उसकी आंखों में उल्लू दिखा। अबे बालों के खेत, बता वो चुराया हुआ डायमंड कहाँ है? प्लीज। हाँ पूछिए। बता वो डायमंड कहाँ है? अबे साले, सर पे तेल डाल के मालिश करवा रहा है। सर की नहीं, तेरी बॉडी की भी मालिश करता हूँ। जीजू, कोई नवा के साला कहा है? अबे उंगली मास्टर कहीं उंगली करके आया है या फिर एक नंबर लगी है? ट्रिगर दबाने वाली रिंग पहनी है। उससे क्या होगा? हो सकता है इस बदकिस्मत थाने की किस्मत जाग जाए और मैं DCP बनकर यहाँ आ जाऊँ। सपने में, अब निकल, गेट आउट। अरे मेरे बाप बता दे, हीरे कहाँ छुपा रखे हैं? क्यों मेरी और मेरी नौकरी की लेने में क्यों मांग रहे हो? हीरा निकाल रहे हो कि खीरा? तुमसे निकलेगा बक कशी वाट लाओ, तो प्रोफाइल इधर तो करना। वेयर इज द डायमंड? नहीं पता।
हाँ? ये निकला है डायमंड। तुम्हारे मुक्के ने तो कमाल कर दिया। कमाल जानते हो किसका है? इस रिंग का। अच्छा? आज से इस थाने का कल्याण मैं करूंगा स्वाहा। क्या ये आपके सब? लिए फोन है सर, दाना जी को किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जल्दी ट्रेस करो, ट्रेस करो। हेलो, हमारा 100 करोड़ कब आ रहा है? देखो 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए प्लीज। काफी वक्त ले चुके हो तुम, बस अब बहुत हो गया। 7 दिन और। 7 दिन? ए, तुम किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे हो, गांगुली भाई की बात कर रहे हो। गांगुली भाई की? हेलो वेंकट, हम भी तुम्हारी तरह पुलिस वाले हैं। फोन टैपिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुंदन, बलदेव ने जो घिनौना काम किया है उससे पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। खुद को कानून के हवाले कर दो और गांगुली को लौटा दो। तुम्हारे लिए मैं सीनियर से बात करूं। हमें बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। वेंकट, और कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? 9 सेकंड्स? 8, 7, 6। वेल ट्राइड। डैम इट! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ने का शौक है तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। क्या है? हाँ चड्डी, ऑफिस में निरुपमा देवी और यहाँ सनी लियोनी। बहुत खूब। यहाँ क्यों आए हो? ये हुई ना काम की बात, ये रिंग काम नहीं कर रही है। 12:30 घंटे हो चुके हैं। ऑफिस में आना, रिंग बदल दूंगी, अब जाओ। थाम्बा, मैं तुम्हारा डब्बा वाला हूँ जो तुम्हारे लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगा। इससे इंस्पेक्टर तो क्या हवलदार भी नहीं बना। वजह का है? ए भटिया रे भाई, खाना लाया? आया हूं भाई। इसके अंदर तो दाल चावल पापड़ है, आप इसे नहीं खा पाएंगे। इसके अंदर तो मच्छी भात है, तेरा कीमा बनाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, जरूर तुमने बिना नहाए पहनी होगी। एक काम करना, तुम कल नहाकर फिर से इसे पहनना, ठीक है? आप चुप रहो मालकिन। अरे भाई, कल ही तो उंगली अंगूठी में डाली है ना, असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रात भर वेट करो, ये खाना खा के सो जाना। अरे उसमें मेरा ट्रेन का पास है। सुबह तक वेट करूंगा, फिर डेड करूंगा। क्या हुआ? अरे नींबू और अचार तो वो भूल ही गया। जाओ उसे देख रहा। हाँ, अभी देख आता हूँ। अरे, 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 अब मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अभी शादी के लिए मैं बहुत छोटी हूँ माँ। 2.5 साल से शादी के लिए नाटक कर रही हो, अब बहुत हो गया, चलो लेट हो रहे हैं। मेरी बेटी में तो संस्कार कूट कूट के भरा है। और मैंने अपने बेटे में ठूस ठूस कर भरा है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आज तक कुंवारा बैठा हूँ। तारीफ करो। क्या बताएं भाई साहब, 32 लड़कियां देख चुके हैं लेकिन किसी ने इसे खास नहीं डाली। खामोश, वो बंद करो, लड़की आ गई। हाय, आई एम रवि फ्रॉम शानपाड़ा। हेलो। नाइस वॉइस, तो मैं हाँ समझू? मेरे माता पिता को पसंद हो तो मुझे क्या पता था। मेरी पर्सनालिटी तुम्हें कैसी लगी? एकदम कचरा। झूठ नहीं बोलती, अपने पति से तुम्हें क्या उम्मीद है? साफ सफाई। परफेक्ट जोड़ी है। कोई हॉबी वगैरह? गन फायरिंग। क्या बात है, एकदम सही जोड़ी बनेगी। तो कब शादी करें अंकल? फरवरी में होती तो। पापा, आप फरवरी की क्यों बात कर रहे हैं? जून जुलाई अगस्त। खामोश! अंकल, आज ही अगर कोई मुहूर्त निकल जाता। नीरू पमा, नीरू पमा, ये सब क्या हो रहा है? साला बात तो ऐसे कर रहा है जैसे इसकी बचपन की गर्लफ्रेंड हो। जवाब दो, मेरी गलती क्या है? न जाने कितने रंगीन सपने दिखाए तुमने, अब मुझसे बात भी नहीं करी हो। लव, अब तुम्हारी पहनाई इस रिंग का मैं क्या करूं? Engaged. Trust me कहकर मेरी जिंदगी को रस लगा दिया। धोखा। Meet me tomorrow. No meeting anywhere. Now let's meet in the court of law. Court में क्यों? Married. Settlement. No settlement. मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे धोखा दिया है बस। भाई तेरी शर्ट मस्त है। Thank you. लेकिन तुझ पर सूट नहीं करती।
मौके पे चौका। अरे सुनो, ये रिश्ता भी गया। तो दामाद जी, मैं मुहूर्त निकलवा देता हूँ। और वो कौन है जिसने अंगूठी पहनाई है? शादी मैं करूँ और स्वागत वो मनाए? ओहो, वो मेरा कस्टमर है। बिजनेस तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। ऑटो अरे सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाओ। ये कपड़े क्या किसी हलवाई के लगते हैं? सॉरी सर, पर्सनालिटी से आप हवलदार लगते हो ना। तो आधे घंटे तक ऐसे ही देखती रहो, जब इंस्पेक्टर लगूंगा तो बता देना। सॉरी कहा ना। सॉरी क्या सॉरी, पहले क्यों झक मारी? प्रॉब्लम बताओ। आई गॉट इट, तो रिंग मास्टर तुम्हें बंदरिया की तरह नचा रहा है। सिर्फ नचा नहीं रहा है सर, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी की तरह गोल गोल घुमा रहा है हमें। और एक बात बताओ आपको, कल मालकिन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो उनके सामने उसने मालकिन की इज्जत का कचूमर बना दिया। बस करो, तुम्हें नहीं लग रहा कि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो रही है? क्या करूं मालकिन, मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी बदनामी हो। आप मेरी बिजनेस पार्टनर जो ठहरी, उसका नाम क्या है? रवि शास्त्री। उसका नाम तुमने बताया, अब उसकी तारीफ मुझसे सुनो। उसके हाथ में एक नवरत्न की अंगूठी, वो लुच्चा लफंगा और निकम्मा है। आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो सर। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिना एफआईआर ऑलरेडी इन लॉकअप। लॉकअप में? वाह 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 वाह, आपकी टोन देख के तो ऐसा लग रहा था कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे आपको तो एसीपी डीसीपी बनाकर दबंग का टाइटल दे देना चाहिए। मैडम, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, अभी पता चल जाएगा कौन दबंग है और कौन मलंग। पानी की बोतल कहाँ छुपाई? बोल, प्रदीप दास के खेतों से मुर्गी का अंडा किसने चुराया? सर यही है वो, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वो ड्यूटी मेरी है, वो लाठी भी मेरी ही है, बस बजा हो रहा है। पानी पी के ये तुम्ही? अरे तुम यहाँ अंगूठी पहनाने आई हो? ओए अंगूठी नहीं, हथकड़ी पहनाने आई है। मेंटल हरासमेंट का केस एक्सेप्ट कर लूं क्या? मुझ पर केस? 1 लाख का चूना लाऊं, 10 रुपए की रिंग पहनाती हो और मुझे पर केस करती हो? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? अरे मालकिन चलो यहाँ से निकलो, नहीं तो ये तत्काल टिकट से ऊपर भेज देगा। चलो, रिंग का पैसा वसूल नहीं हुआ तो सारे उसूल तोड़कर वसूल कर लूंगा। मेरे भाई ने जो गलती की है उसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मैंने होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ये इस्तीफा मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं बल्कि आपको दूंगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर गांगुली गिरफ्तार नहीं हुआ तो आप इसे सीएम को सौंप दीजिए। जिस तरह मेरे लिए कार का दरवाजा खोला है, गांगुली के लिए लॉकअप का खोल। सुबह सुबह मेलो ड्रामा क्वीन बनी हो, क्या हुआ? तुम्हारे जीजा टपक गए क्या? नहीं। तो और जोर जोर से रोना बहना। तुम्हें बताओ, फिरोज भाई को पकड़ने गए थे लेकिन फिरोज भाई ने इन्हें किडनैप कर लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब फिरोज कौन है? एक नंबर का शैतान आदमी है, उसके एरिया में पुलिस भी जाने से डरती है। तुम्हारे जीजा प्रमोशन के चक्कर में उसे पकड़ने गए थे लेकिन उल्टा हो गया। फिरोज भाई से मिलना है। सर हाथ बहुत दुख रहा है ना सर, इसलिए तो दबा रहा हूँ। आपका नहीं, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है सर। तो कटवा दूं क्या? आ गए दोनों सांड, आगे पीछे हटो। इन दोनों सांडों से क्यों नहीं दबवाते सर? फिर से मेरी वर्दी पहन ली, आज हम दोनों में से किसी का बेड़ा जरूर गर्क होगा। पुलिस को एंट्री किसने दिया रे? ये आपसे प्लान डिस्कस करने को आया है। प्लान? कौन सा प्लान बे? बताता हूँ भाई। अबे चिच्चू इधर आ। हाँ? जीजा किसे बोला बे? साले सर, मैंने इसकी बहन से शादी नहीं की। अरे ये प्लान तो खास आपके लिए लाया हूँ। मरवाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जमीलपुरा है और हम पहलवान नगर में। आर्किटेक्ट कब से बन गया? तेरे भागने का प्लान है, समझता क्यों नहीं है तू? रुक जाओ, पहले इसका प्लान सुनो। थैंक्स फिरोज भाई, चांगला मानुस है। ये फिरोज भाई का अड्डा है, बोमन नगरी से लेफ्ट ईरानी होटल है, पीछे के चौराहे से जाएंगे तो मुरारी गली। लेकिन ईरानी होटल में 2 दरवाजे दोनों बंद है। अनार गली की तरह भाई ने मालिक को भी दरवाजे में चुनवा दिया है। ऐसा कहा है? तुम घबराओ मत जीजू, मेरे पास प्लान भी है। कैफे से निकलकर यूटर्न मारोगे तो आगे पान की टपरी है, उधर भी एक खुफिया दरवाजा है, बाहर निकलते ही चूड़ी बाजार। आज संडे और कल ईद है, औरतें बुरखे में शॉपिंग करने निकली होंगी, हम दोनों भी बुरखा पहन के मिक्स हो जाएंगे। ये झंडू क्या उखाड़ लेगा? कैसा लगा प्लान? थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। ये देखो मैं बुरखा लेकर आया हूँ।
ये भागने का प्लान है या सुसाइड करने का प्लान है बे? प्लान में एक गड़बड़ कर दी, मेरे लिए तो बुरका क्यों नहीं लाया? मैं आपको शेंडी लगा रहा था, प्लान आप ही के लिए है। पुलिस स्टेशन जो ले जाना है आपके लिए भी बुरका लाया हूं। कोई पागल ही ये गुस्ताखी कर सकता है। प्लान का रचयिता तुम्हारे सामने खड़ा है और प्लान विस्तार में तुम्हें समझा दिया है, बस प्लान को पूरा करने के लिए पागलपन दिखाना बाकी है। तो दिखाना। जीजो बैग लेकर आओ। पागलपन दिमाग में होता है ये सुना था, लेकिन बैग में पहली बार देख रहा हूँ। लो देखेगा, हिम्मत आ है तो ले ले। सब लोग नीचे झुक जाओ। ए, ये फुसकी बम है रे, वो भाई को साथ ले गया, चलो। ए, वो बच के जाना नहीं चाहिए, फैल जाओ फैल जाओ। मिल गया साला। क्या रे टकले? ओ मम्मी, ये नहीं है टकले। पापा, अम्मा, सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं सुंदर दिख रहा हूँ? क्योंकि आपका बुरखा बुशर्ट हो गया है। तेरी कब्र तो आज मैं यहीं बनाऊंगा। ए, ए, कोई आगे बढ़ा तो फिरोज भाई मरहूम हो जाएंगे। अबे चुप, छोड़ रास्ता, छोड़ भाई, बोल रहा हूँ ना, रास्ता छोड़। भाई जान को छोड़ दो। ए, तुम रवि हो ना? तुम पुलिस वाले बन गए हो ना? मुझे पता था, लेकिन तुमने मुझे धोखेबाज झूठी कह के मेरा भेजा फ्राई कर दिया। और पुलिस वाले बन गए तो एक फोन तक नहीं किया ना तुमने। अब मान गए ना कि मेरी रिंग में वो पावर है? छोड़ दे भाई जानकर, तो गला काट दूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे भाई को, भाई को छोड़। सुना नहीं क्या? घोड़ा फेंक। जीजा जी, प्लान में बदलाव है। अबे कौन सा जी और कौन सा जा, ना तू मेरा साला ना मैं तेरा जीजा। मैं तो बचपन से ही बैचलर हूँ, बकवास प्लान बना के मुझे उसमें घसीटता है। अबे ओए फिरोज, सॉरी फिरोज भाई, ये पुलिस वाला नहीं है, इसने जो वर्दी पहनी है वो भी मेरी है। मैं तो खुद इससे परेशान हूँ, अब आप ही इलाज करो इसका। नकली पुलिस वाला है तू, काय करूं। मेरे पास एक ऑप्शन है, तुझे वन पीस में मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं। नकली पुलिस, अगर तू मुझे इस इलाके से लेकर गया तो मैं तुझे सच का पुलिस मानूंगा और खुद को तेरा गुलाम। फिर से बोल। अगर तू मुझे यहाँ से लेके गया तो मैं तुझे पुलिस मानूंगा, पुलिस मानूंगा, पुलिस मानूंगा, पुलिस मानूंगा। लो फिरोज ने कुल्हाड़ी पर पांव मार दिया। को पुलिस वाला साबित करने के लिए इतना एक्शन काफी है, तो और देख, और देख। का कुत्ता भौंकता और बोटी नोचता है, शेर अपना शिकार खुद तपोचता है। पुलिस की नौकरी से इसे इतना प्यार है? इसे प्यार नहीं, जुनून कहते हैं, जुनून। अब देखो मुझे नहीं, उसको देखो। काय को फिजूल में चमचों को पिटवाया, तेरे जिगर में कलेजा होता तो तू खुद लड़ता। तू मुझे मारेगा? फिरोज भाई को, फिरोज भाई, फिरोज भाई, काय का भाई। आपका साला कमाल का है, बहुत अच्छा मारता है, वो पुलिस बनने के लायक है, उसे पुलिस बना दो उसे। फिरोज भाई, मैं टेस्ट में पास हो गया? पास हो गया, तुम्हें 100 में से 200 मार्क्स मिलते हैं। फिरोज भाई जैसे क्रिमिनल को पकड़ते वक्त आपको डर नहीं लगा सर?
किसने कहा डर नहीं लगा? हमेशा डर लगता है, खून की जगह डर दौड़ता है मेरे शरीर की नसों में। जब से ड्यूटी ज्वाइन की हर पल यही डर लगा रहता है मुझे कि कहां से दुश्मन की गोली आकर कहां घुस जाए। फिरोज को तो रवि ने अरेस्ट करवाया है, लेकिन पब्लिसिटी इसकी क्यों हो रही है? आज आप यहां मुझे मेरी कामयाबी पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन कल शायद हो सकता है कि ड्यूटी निभाते वक्त मैं शहीद हो जाऊं। तो इस शेर दिल बहादुर देशभक्त के लिए आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए, ना कि गम के और ना ही मगरमच्छ के। डैडी अच्छा फेंकते हैं ना। अपराध करने वाले को उसकी अंतरात्मा झंझोड़ती है, उसी तरह ये सीटी, ये बिल्ला, ये नेम प्लेट, ये वर्दी मुझे फर्ज की याद दिलाते हैं। जिस दिन मैं मौत का सामना करूंगा, इन आंखों में रोशनी कम होगी, इस मुंह में दांत नहीं होंगे, पर मैं अपनी मूछों पर ताव दूं, मूछें बढ़ाकर ताव दूंगा। देखो कहीं के फिरोज भाई को आपने कैसे अरेस्ट किया सर? फिरोज दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, पर मेरे लिए चूहे का पिल्ला था। उसके एरिया में जाने से मेरे साथी कांपते थे, बट आई डिडंट केयर। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं, आपको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आया था। मैं शेर जैसा दहाड़ा, डायरेक्ट उसका कॉलर पकड़ा और उसे मेरे कदमों में गिराया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। इसके सारे गुंडे मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, रहम की भीख मांगने लगे, हमें छोड़ दो सर। पर मैं बोला, अरे भाई लोग अपने बॉस को समझाओ कि मुझे छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे। आई डोंट केयर। सारा क्रेडिट जीजू लेकर जा रहा है, हर पल हर दिन अपनी जान पर खेल कर मैं अपना फर्ज निभाता रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है सर, एग्जाम मैंने दिया, डिस्टिंक्शन ही नहीं। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा सस्पेंशन हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे, जाओ जाओ। आपको पेंशन का वास्ता? तुम्हें जीजे जी का वास्ता, जाओ। मैं 24 घंटे जागता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। अरे कॉन्फ्रेंस चालू है, जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से जल्दी। कारनामा मेरा नाम इनका, दीदी का वास्ता नहीं, छोड़ दो। अपने फर्ज के आगे हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। हमारा इंश्योरेंस तक नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस वाले हमारा इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते। वो जानते हैं हमारा काम बहुत रिस्की है, वो जानते हैं कि मौत कभी भी हमें अपने आगोश में ले सकती है। ये क्या जी? ऑमलेट है और क्या? पकड़ा उसने, क्रेडिट आप लोगे। अरे पगली, ताजमहल असल में बनाया किसने? मजदूरों ने। नाम किसका हुआ? शाहजहां का। इसी तरह इस निकम्मे का क्रेडिट मैंने ले लिया तो क्या हुआ? बस बहुत हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, उसे पुलिस में भर्ती कब करवाओगे? इस जन्म में तो भूल ही जाओ। अब कहना क्या चाहते हैं? सिंपल है, ये निकम्मा है, इसने पुलिस में भर्ती का फॉर्म भरा था, वो मैंने फाड़ दिया ताकि ये कभी कांस्टेबल भी ना बने। जीजू तुम ही मजाक करता है ना? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा जो मैं मजाक करूंगा। घर को नरक बना के रखा है, ऑफिस में तो चैन से काम कर रहे। तो साले की जगह जूते में होती है, सर पे नहीं। अरे जाने दो, रोकने की जरूरत नहीं साले को, इससे पिंड छूट जाए तो कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। वाट लाऊं टाकली मजाक करियर जी। हर्षद राणे, टेंथ में कितना मिला? 100 में एक कम। पुलिस रिकॉर्ड का झूठ नहीं, असली परसेंट बता। 95%। सोते जागते उठते बैठते वर्दी दिखाई देती है, पुलिस बनने का भूत उतरता ही नहीं है। सर आपसे कोई मिलने आया है। इधर काई को आई? मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हें पुलिस की नौकरी से इतना प्यार है, मुझे ये बात सच में नहीं पता थी। नौकरी तो अपनी मेहनत से मिलती है, हम लोगों को रिंग सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उनमें उम्मीद जागे, और मैं तुम्हें रिंग के पैसे भी लौटा दूंगी। तुझे भाषण बंद कर, तेरे प्रवचन की और तेरे रिंग की जरूरत नहीं है, हमदर्दी का टोकरा उठा अनिजा। लेकिन मैंने तो निकल। तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओ इसलिए मालकिन रोज मंदिर में जाकर दिया जलाती है, तुमने मालकिन का दुखी दिल दुखाकर उसे और दुखी कर दिया। सिर्फ मंदिर ही जाती है, दरगाह चर्च गुरुद्वारा क्यों बाकी रखा उसने, वहाँ भी जाया करे। मैं कहता हूँ तुम ACP बनोगे। बाजू में बाकड़ा खा ले, वहाँ जाके बैठ, तुझे मुझसे ज्यादा चाहिए। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। चाहे जो भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, उन सब में एक ही कॉमन पॉइंट है कि ACP बलदेव सहाय इज ए करप्ट ऑफिसर। हाँ तुम सब भाऊ है? उसे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है।
उसने एक खूंखार क्रिमिनल को जेल से भगाया। इसी सदमे से मेरी माँ कोमा में चली गई। तुम्हें टीवी पर देखकर उसने हरकत की, नहीं तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब वो नॉर्मल हो रही है। तुम मेरे भाई की जगह लोगे तो दो फायदे होंगे। पहला, मेरी माँ को बचाया जा सकता है ये कहकर कि उसका बेटा जिंदा है। दूसरा, तुम्हें देखकर मेरे भाई के पार्टनर्स शायद गांगुली भाई को फिर से पुलिस के हवाले कर दें। फिर तुम चाहो तो उस पोस्ट का हकदार बनकर जिंदगी भर ड्यूटी कर सकते हो। कोलकाता के लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। उस विश्वास को अब तुम्हें ही जगाना होगा। सर, 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 सर। ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर बनना मेरा जुनून है, मेरा लक्ष्य है। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि वर्दी की पावर क्या होती है। मुझे माता जी से मिलना है। बलदेव की तरह है। सर, अगर गांगुली भाई को पकड़ना है तो यही एक रास्ता है। होप योर प्लान वर्क्स। आपके कहने पे मैं इसे कालीघाट का एसीपी बनाता हूँ। गुड लक मिस्टर रवि शास्त्री। आज से मैं रवि नहीं हूँ सर, आज से मेरा नाम होगा बलदेव सहाय, एसीपी कालीघाट। हैं? ये गेटअप मां अमी चिकनो चौमेली लागछी। काय कर तो रवि कैरेक्टर में घुस। इस तरह तो आम इंसान उतरता है। एटीट्यूड और स्टाइल पकड़। लुखे, मैं आज फुल टू गेटअप में आया हूँ और तू इन्हें कल बुला रहा है? इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। बंगला। अब प्रेस अमा की फॉलो करो। कौरोजी केशा? सर, इतने दिन आप कहाँ थे? कॉमन सेंस, एक्सीडेंट के बाद इंसान कहाँ जाएगा? कौरो गेस्ट, चलो नेक्स्ट। सुना है गांगुली भाई को भगाने में आपका हाथ था? ऐसा क्या? थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। वैसे गांगुली भाई इस वक्त कहाँ है? कहीं त्याला डाउट तरना झाला, रवि इससे बच के रहे। वैसे गांगुली भाई को भगाने के लिए आपको कितने पैसे मिले हैं? मित्रों, तुम लोगों को कोई दूसरा सवाल पूछना नहीं आता? अगर पैसा कमाया होता तो दुबई या बैंकॉक में जाकर ऐश नहीं करता, एक खाने आके ड्यूटी नहीं ज्वाइन करता। सर, बात वो नहीं है। तो कोई बात ही नहीं है। आमी देवो आज की ब्रेकिंग न्यूज, 48 घंटे के अंदर गांगुली जेल के अंदर होगा केस क्लोज। इस न्यूज को बार बार टीवी पर दिखाओ और फ्रंट पेज पे मेरे फोटो के साथ छापो। डरो मत, फरी नहीं कर रहा हूँ, पोज दे रहा हूँ। खींचो, फुल लेंथ, हाफ लैंडस्केप, नाइट मोड, पासपोर्ट साइज। कुछ ज्यादा ही शक की नजर से देख रहा है मेरी तरफ? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जाकर गाड़ी निकाल, बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे गुंडों को पकड़ना है, चाबे के खामे हैं। कसा भागा तुम दबा के? हमारे साथ सांप सीढ़ी खेल रहा है तू? 10 करोड़ की डील फाइनल करके अपनी मौत का ढोंग रचाकर अपने पार्टनर से 100 करोड़ की एक्स्ट्रा फिरौती मांगता है? ए, गांगुली भाई को मेरे हवाले कर। धमकी दे रहा है बे, तुम सबके दिन भर गए। तेरे गांगुली भाई का जीवन बीमा किया है ना, क्योंकि वो जीवन से हाथ धोने वाला है। अबे हमारा एजेंट है या जीवन बीमा का एजेंट बोलता है? साले वर्दी दिखती नहीं। अबे गाड़ी निकाल, गाड़ी में बैठ, किसकी सड़क है गाड़ी में बैठ। इस हफ्ते का प्रॉफिट 112 रुपए 80 पैसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या तुम सच में एसीपी? हाँ, सच में मैं कोलकाता का एसीपी बन गया हूँ। आइला कोणी बघितलं तर नाही?
अभी आता हूं। सोचा नहीं था कि आपसे फिर मिल पाएंगे सर। इन्हें मुझ पर शक हो या चादी, इधर से कल्टी मारनी चाहिए। चलो आश्ची। कहाँ चलना है? अब अब अब, अब कहाँ वो जेल जरूर पहुंचाऊंगा, जिंदा या मुर्दा, चॉइस इज योर्स। जयवर्धन सर, क्या कहा? जो राक्षस आपको चाहिए था उसे आपके कदमों में डाल दिया है। मैं तुम्हें जितना काबिल समझता था तुम उससे भी ज्यादा काबिल निकले। थैंक्स रवि। अब इस क्रिमिनल का क्या करना है सर? ये क्रिमिनल नहीं है रवि। रवि
कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच्ची थी, बस कैरेक्टर बदल गए हैं। जो बलदेव मर चुका है वो मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। धोखा? ए, जब तूने मेरे भाई को फोन किया तभी मैं समझ गया ये काम मेरे भाई का है, इसीलिए सोचा वॉयलेंट होने के बजाय साइलेंट होना फायदेमंद होगा। माँ, ये रहा तुम्हारा गांगुली। वाह, क्या खेल रचा है आपने, इस प्यादे का कमाल का इस्तेमाल किया आपने। मेरे शतरंज के खेल में दोनों तरफ से मात होती है। वाह, क्या डायलॉग मारा है, शतरंज के दोनों राजा एक साथ। प्रजा की लग गई वाट। निकल चुकी है, अब आप गन हटा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। पहली बार किसी पुलिस वाले की जान बचाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लोगों को पुलिस को गाली देते सुना है, उनसे डरते सुना है, पर कोई पुलिस वाले से इतनी नफरत करता है ये तो फर्स्ट टाइम देखा। कौन है ये बलदेव सहाय? बलदेव सहाय को जानने से पहले यह जान लो कि कोलकाता को नर्क बनाने वाला था गांगुली भाई, और उसका भाई किशोर वर्धन। इन दोनों की ही वजह से शहर में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इन दोनों को शह देने वाला था इनका बड़ा भाई होम मिनिस्टर जयवर्धन। एसीपी, सुना है तुमने मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ एक लंबी सी फाइल तैयार कर रखी है, तूने क्या सोचा, तू हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगा? लेकिन पहले अपनी बीवी की तरफ तो देख और सोच कि वो कौन बनेगा करोड़पति शो के हॉट सीट पर बैठी है। तो गीता जी, आपके लिए पहला सवाल, हमसे गुस्ताखी करने के लिए तुम्हारे पति को कौन सी सजा दी जाए? ऑप्शन ए, आप खुद अपने पति को गोली मारेंगी। ऑप्शन बी, मेरा आदमी आपकी औलाद को गोली मारेगा। कड़क ऑप्शन भैया। ए, शायद आज तू मुझे मार डाले, लेकिन एक दिन आएगा जब अपनी ड्यूटी के लिए जान देने वाला कोई ईमानदार ऑफिसर तुझे कुत्ते की बात मारेगा। सही कहा, लेकिन वो दिन लाने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। गीता जी, आप पहले काफी वक्त गंवा चुकी है, ऑप्शन बी को लॉक कर दूं क्या? गीता, शूट मी। वाह, नहीं मार सकती। मैंने कहा गोली चलाओ। मुझसे नहीं होगा। गीता, गोली चलाओ, चलाओ गोली, शूट मी। ये क्या छोटे, गेम में बिल्कुल मजा नहीं आया, दोनों खिलाड़ियों को मरने की जल्दी थी। सर, आपके लिए फोन। भैया, कोई अच्छी खबर? काम पूरा हो गया। ये रो कौन रहा है? एसीपी की अनाथ बेटी। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, काम पूरा कर दो, समझे? सर, राजीव कुंदन, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मैंने आप दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक किए, आज तक आपने 62 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रेड हैंडेड अरेस्ट किया, ब्रिलियंट।
अगर वो 62 एक तरफ है तो मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो दूसरी तरफ। उसका नाम है बलदेव सहाय। 7 साल हुए इसको इस सर्विस को ज्वाइन किए। 7 सालों में इसके किए हुए करप्शन की गिनती more than 60 crores। What? एक ACB होके 60 करोड़ का करप्शन किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है, शायद उससे भी ज्यादा। 7 साल में उसके 12 ट्रांसफर्स हुए, रिमोट एरिया में भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन करप्शन की रफ्तार थमी नहीं। करप्शन उसका पैशन है। He is very brilliant. अभी तक उसके यहाँ 6 बार रेड पड़ चुकी है, लेकिन कभी कुछ हाथ नहीं लगा। वी हैव टू एनीहाउ कैच हिम रेड हैंडेड, इसलिए मैं तुम लोगों को उसका असिस्टेंट बना रहा हूँ। इसके करप्शन का पैसा कहाँ कहाँ जाता है या कहाँ छुपाता है और इसके कौन कौन से बैंक में सीक्रेट अकाउंट्स हैं, ये पता चल जाए तो इसकी सजा पक्की है और ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक सबक होगा। करेक्ट? यस सर। हमने बलदेव पर नजर रखनी शुरू ही की थी कि तभी एक दिन वहीं रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, चंदा मांगना है तो कहीं और जाओ, चलो निकलो। पुलिस सिर्फ पैसा देती है, लेती नहीं, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं लेती। मैं बलदेव सहाय का मामा हूँ। वैसे आप ये क्या कर रहे हैं? बात बहुत सिंपल है, लक्ष्मी जी की कृपा से नोट आते हैं और हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर है, दोनों पास पास रहे तो अच्छा है। पंडित जी यू कैरी ऑन। उससे अपनी नजर उतारना, गलती से उसका जूस निकाल कर पी मत जाना। जी जी। देखिए पूजा तो हो गई, बस अब पेमेंट हो जाए तो हम लोग निकल जाए। सॉरी, यहाँ पैसों की आउटगोइंग बंद है। कभी फ्रॉड के बाद जेल में इनकमिंग से बचना हो तो भांजे से कह के बेल दिलवा दूंगा। क्या? भांजे, पूजा इज कंप्लीटेड, सब कुछ सेट है, अब ग्रैंड एंट्री करो। तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं है, कोई खास वजह है क्या? इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। तुम्हारा नाम की? वेंकट सर, इस एरिया का CI। वैसे मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? नींद की कमी और अकल की भी। आज से ड्यूटी पर कम सोया करो। सर प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे तो आपकी फोटो फ्रंट पेज पर छपेगी। अगर सेलिब्रिटी बनना होता तो फ्रंट पेज पर नहीं, page 3 पर आता। भेज दो उन्हें वापस। हे वेंकट, मैं बार बार पुलिस स्टेशन आकर ये साइन वाइन नहीं कर सकता, अगली बार से तो अपने चमचों को मेरे पास भेजकर साइन करवा लेना। ये नया ACP है, तू निकल, मैं बात करूंगा। ये गुंडा इस पुलिस स्टेशन को अपने बाप का घर समझ रहा है क्या? रिमांड में ले साले को। जाने दीजिए ना सर। ए, तू डर क्यों रहा है बे? सुन ACP, इसे 25,000 देता हूँ, तू नई दुल्हन है इसलिए तुझे ज्यादा दूंगा, डबल, चलेगा ना? तो जिसका भी चमचा है, गांगुली हो या रंगोली, जाके बोल बलदेव सहाय ने कभी अपने थाने में रिश्वत नहीं ली है। कितनी बार कहा कि मुझे गलत जवाब पसंद नहीं, इसे तो पता नहीं था, पर तुझे तो सच पता है ना? पता जल्दी। पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। 10 साल से तुम साथ रहते हो, तुझे नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। पता? कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता सर। बताता है कि नहीं? गुरु, नए ACP ने रिश्वत नहीं ली, ऊपर से हमारे आदमी को भी मारा। दादा को बोल दो उस ईमानदार ऑफिसर के बजाय दूसरे को अपॉइंट करो। वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमानों से भी बड़ा बेईमान है। मतलब? तेरे सारे लीगल कामों में मुझे 50% शेयर चाहिए। तुम लोग बेझिझक अपने काले धंधे करते रहो, कोई बीच में नहीं आएगा। जिस तरह पहली तारीख को गवर्नमेंट सैलरी आ जाती है, उस तरह मेरी काली कमाई भी आ जानी चाहिए। और नहीं दूं तो? ना अरेस्ट, ना वारंट, ना बेल, ना होगी जेल, सिर्फ 99 रुपए की बुलेट और खोपड़ी आउट। जो तो हुन शे राष्ट्रे बीचे थक बे। फिलहाल तो अपना दिमाग ठंडा रख, सही वक्त आने पर उसको देख लेंगे। जाओ और पहले उस तिवारी को ढूंढो। सर, यही है बलदेव सहाय, कालीगढ़ का ACP। सर, सर वेंकट, हार निकाल। बिना फूलों की माला कहां से मिली? बजट प्रॉब्लम, सर का हाथ सर पर रहा तो नेक्स्ट ईयर बड़ा हार लाऊंगा। पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
नेकी और कर्म पे बहुत प्रवचन सुन लिया, अब करप्शन की बात करें। करप्शन की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे भड़क रहे हो जैसे इन्हें करप्ट कह रहा हूँ, कहीं ये करप्ट तो नहीं? सर कहीं अखबार के पहले पन्ने पर हमारा नाम ना आ जाए। चलिए जाइए, अंग्रेजों के जमाने से खड़े जाइए, घर जाइए। बोलो, तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के इलीगल धंधों की लिस्ट है मेरे पास। पैसों को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, परमिशन तुम्हारी होगी, रूल्स मेरे होंगे। तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ नहीं समझा। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा भाई नहीं समझ रहा है, कैसे चलेगा? मेरा भाई मेरे लिए कब का मर चुका है। अब अगर शराफत का ठोंक किया तो ठोक दूंगा साले को। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। मुझे मना करके अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो? मैं मेडल्स के लिए नहीं, मैं काले धन के लिए काम करता हूँ। आपका पावर बैलेट, मेरा पावर बुलेट, दोनों में क्या पावरफुल है आप डिसाइड कीजिए। जॉन मोदी ने रोज शुभकामना। वेंकट सर, इसके पैसे का जुनून देखकर लगता है कि ये मुंह में चवन्नी दबाकर पैदा हुआ था सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। आज तक हमारी जिंदगी सैलरी और हफ्ता वसूली से चलती थी, लेकिन परसेंटेज पर हमारा हक है ये कहकर आपने तो लाइफ बना दी। सिर्फ वर्धन से नहीं, शहर में हर इलीगल काम करने वाले गुंडे से मुझे हिस्सा चाहिए। अब पब्लिसिटी करना तुम्हारे हाथ में, चाहे फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे। गुंडों तक बात पहुंच जानी चाहिए कि बलदेव खाओ खुजाओ है। लेकिन सर, इससे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। बदनामी तो होगी, इसलिए उसे फाउंडेशन का नाम देंगे। और फाउंडेशन का नाम क्या होगा? आशा, आशा फाउंडेशन नाम फाइनल। फाउंडेशन नाम से आईडी कार्ड बनाओ, जिसके पास कार्ड होगा उसे नो जेल। तू कैश दे रहा है? थोड़ा कैश है, बाकी सोना है। चोर मैडम, नटबोल चुरा कर क्या मिले? चुप हो जाओ। मैं एक शुभ काम करने जा रही हूँ। कौन सा? थोड़ी देर में बलदेव अपने बंगलों से बाहर निकलेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करेगा। जैसे ही रफ्तार बढ़ाएगा, टायर्स बाहर निकल आएंगे और उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाएगी। वैसे ये बताओ, तुम कौन हो? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। घबराओ मत, वो मुझे भी पसंद नहीं। तब ठीक है, कांस्टेबल हो क्या? देखा तुमने, मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ। वैष्णवी तुसी तो ग्रेट हो। वैसे ये वैष्णवी है कौन? हम इस हरकत के पीछे कोई कहानी है? कॉफी पीते हुए बात करें। तुम्हें पता है, ये बलदेव आशा फाउंडेशन के नाम पर शहर में करप्शन कर रहा है। उस फाउंडेशन की तुम करप्ट ट्रस्टी हो क्या? मैं तुम्हें किस एंगल से करप्ट लग रही हूँ? वो असली आशा फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। आशा फाउंडेशन नाम की पहले से कोई संस्था है, मैंने तो बोगस नाम रखा था। कहाँ खो गए? यही एक नाम मिला था उस कमीने को, मेरे फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। वो मासूम अनपढ़ होगा। चुप है, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पिछले 4 सालों से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से न जाने कितने चैरिटी प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसने सब मिट्टी में मिला दिया। मेरी फ्रेंड काव्या एक लड़के से प्यार करती थी, एज यूजुअल अब उस लड़की के घर वाले गुंडों की मदद से उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। जब हम कंप्लेन करने गए तब पता चला सब गुंडे आशा फाउंडेशन में पैसे भरने वाले रजिस्टर्ड गुंडे हैं, और उनकी आईडीज देखकर पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया। छी, इस सब का जिम्मेदार कौन है बताओ? लड़की अगर आईडी बनवा ले तो? एकदम बुद्धू हो तुम, इस सब का जिम्मेदार वो बलदेव है।
एक मिनट। हाँ भांजे, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। बहुत अच्छे। बैनर्जी की लड़की का क्या हुआ? वो अपने आशिक के साथ रफू झन्ना हो गई। और मैनेजर की लड़की? वो थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा है, एक साल रुकने के लिए बोल रहा है। अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक लड़की अम्मा के भालोबाशी। चलो मेरी जान तो छूटी। मेरा कान गर्म हो गया, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना। तुम्हारे दोस्त की शादी कब है? आज शाम को 5 बजे। क्यों? नहीं, 2 बजे कर दो। तुम लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाओ, मैं लड़की को लेकर आता हूँ, हो जाएगी शादी। कैसे? हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बात है, 2 टके के कांस्टेबल होकर ये सब कैसे मैनेज किया? लोग प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं, मैं शादी नहीं करवा सकता। थैंक यू। आपने सही कहा था सर, बलदेव बहुत चालाक है। वो करप्शन भी कितनी चालाकी से करता है सर, कोई सबूत नहीं छोड़ता वो। काफी इंप्रेस लगते हो तुम लोग उससे। हमें यकीन है सर, उसके घर से करप्शन के कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएंगे। तो फिर मैं उसके घर पर रेड मारने के लिए ऑर्डर इशू करता हूँ। वेट फॉर माय कॉल। श्योर सर। या ये है उसके इलाके का नक्शा, इस तरफ से हम पहुंच। भाई बलदेव, क्या एसीपी हिस्सा नहीं मिला तो भीख मांगने के लिए आ गया इधर? ए, कुछ चिल्लर दे के लात मार दे इसे। मैं यहाँ भिखारी के दरबार में भीख मांगने नहीं आया हूँ, तेरे ऊपर मर्डर केस ठोकने आया हूँ। डॉक्टर बिजॉय, तेरी कार ने इनके पालतू कुत्ते को घायल किया है। कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, ससुराली कुत्ता था। यहाँ आदमी का मर्डर करने पर केस नहीं बनता, और तू कुत्ते की बात कर रहा है बे? वो कुत्ता हमारा फैमिली मेंबर है, उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। उसे घायल करके आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको इसके लिए अरेस्ट करवाऊंगा। अबे बाल की दुकान, हमें अरेस्ट करवाएगा? वेंकट, सेक्शन 353 समझाओ इन्हें। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी। तू आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। फैंटास्टिक वेंकट। समझ गया सर, सेक्शन 506 और 307, पुलिस ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दी। उसने तो धमकी दी, मैं तो मार ही दूंगा। एक मामूली कुत्ते के लिए मैं गैंगवार नहीं चाहता सर, यहाँ से चलते हैं, मैं केस विड्रॉ करता हूँ। भांजे इसकी बात मान लो, इस भिखारी को इसका हिस्सा देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कुत्ते को हड्डी। आप रुको मामा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तिवारी की भी नहीं है क्या? तुम्हारे पालतू कुत्ते उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, अगर मैं उसके दर्शन कराऊं तो कितनी दक्षिणा देगा? भाई को ब्लैकमेल कर रहा है? तेरे जैसे सरकारी कुत्ते भाई के सामने दुम मिलाते रहते हैं और तू भाई को हुल दे रहा है? डील या नो डील? लगता है ये टकला अपना टकला छिलवाना चाहता है। कौन सी डील पे ढिले? डील करने में फायदा है, पहले मेरी बात का जवाब दे। ऑफर का लास्ट कॉल है। ओके, उस तिवारी को लेकर आ और अपना हिस्सा ले जा। फिर भी इसे क्यों मारा? वेंकट, कल की हेडलाइंस में इसका टकला चमकना चाहिए, और न्यूज फैलाओ कि गांगुली के आदमी को मैंने मारा। अंडरग्राउंड तिवारी कल प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास आएगा। साले को दिमाग है रे? हे, एडवांस दे दो इसको। कमाल है, मेरे कुत्ते के बहाने इसने तो खजाना ही लूट लिया, इसका जवाब नहीं। तुम्हारी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तुम्हारी सैलरी कौन? तो TDS छोड़ के 20। इट्स माय टर्न। जिम जाते हो बेटा? बेबी एक होना चाहिए। मेरे अंदर क्या भालू लगा? उस करप्ट बलदेव के साथ रहकर भी तुमने ईमानदारी और अच्छाई नहीं छोड़ी, मैं तुम्हारी इसी बात से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। धोखे से तुम्हारा मतलब? यही कि तुम किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। फिर कहाँ आने दूँ? बेटा तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी वैष्णवी की ब्यूटी तुम्हें पसंद है ना बेटा? मैं इसे अपनी ड्यूटी से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। तो कब बारात लाऊं? जब हमारे अपनों ने हमें अकेला छोड़ दिया तो वैष्णवी ने हमारी देखभाल की। यहाँ इस आश्रम में हमें रखकर इसने हमें हर तरह का सुख दिया है। इसके लिए हम हैं और हमारे लिए ये है, इसके अलावा हमारा और कोई नहीं।
इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना बेटा। चोबा है एक एक छड़े दाओ। तो मैं भी चलता हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो करो ना। उस बलदेव की अकल ठिकाने लगाने के लिए मैंने छोटा छत्री गोविंद से बात की है। 2,00,000 में उसके हाथ पांव तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। वो एडवांस लेने के लिए बस आता ही होगा। अगर तुम भी मेरे साथ रहे तो। हेलो मैडम। गोविंद रोकड़ा तैयार है? 2 मिनट। हेलो, 2 मिनट वाला नूडल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उनके पेट में 2 किलो का मुर्गा है मुर्गा। एडवांस निकालो एडवांस। आप उन अंदर आ रहे है। 91, 92, 93। अरे जरा अच्छे से गिनना। आप उनकी गिनती थोड़ी सी हिली हुई है, लेकिन साइंस में आप उनको बोले तो फुल 2 मार्क्स मिलता था। क्योंकि किसकी कौन सी हड्डी किधर से तोड़नी ये आप उनको मालूम है। अगर गर्दन की हड्डी तोड़ दी तो 25 मिनट तक फड़फड़ाता रहेगा बिना पानी की मछली की तरह। अगर भेजे की हड्डी तोड़ दी तो तब तो समझो ऑन द स्पॉट खत्म। लेकिन तुमको कैसे मालूम? ए ऐसी मत देखो इन्हें, मैंने ही बुलाया है। तुमने बुलाया काइको? तुम अगर पैसे लेकर भाग गए तो इसीलिए विटनेस के तौर पर मैंने इन्हें बुलाया। जिसको पिटवाना है उसी को गवाह बना रही है। ये भी अपन की तरह दिमाग से पैदल है क्या? दिमाग पर जोर मत डाल, पैसा ले और काम तमाम कर। मैडम अपन को पैसा काय को दे रही है पता है आपको? बलदेव का हाथ पैर तोड़ने के लिए ना। लल्ले कर ले। अपन को तो लगता था अपन का ही स्क्रू ढीला है, लेकिन अपन के जैसे तो यहाँ बहुत पड़े हैं। अच्छा ये बताइए बलदेव साहब का ढोपड़ा दिखने में कैसा है? उसका फोटो तो नहीं देखा पर काले गेंडे जैसा होगा। ऐसा है, आपकी बात मेरे भेजे में घुस गई। आपके लिए सजेशन है, बलदेव सहाय का एक फोटो मंगवा लीजिए। उसे एक बार देखने के बाद 5 बार और देखना, फिर मुझे फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। हाँ जय हिंद। अरे रुको, छतरी बंद हो गई। तुम लोग यहीं रुको। वेंकट सर। हम यहाँ क्यों आए हैं सर? तिवारी। तिवारी? क्यों तिवारी, गांगुली तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? क्या बात है? सर मैं मरहूम एसीपी गौतम का ड्राइवर हूँ। सर ये रही वो फाइल, इसमें मिनिस्टर और उसके भाइयों के सारे काले कारनामे हैं। हेलो पार्टनर, तिवारी मिल गया। क्या बात कर रहे हो? लेकर आओ उसे। जरूर लाऊंगा, और डील में और ढील देनी होगी। कितनी ढील? अमाउंट 10 गुना करते। ए, रेट तो पहले ही फिक्स था, आप डबल क्यों? पहला रेट तिवारी के लिए था, एक्स्ट्रा रेट इस फाइल के लिए। उसे फाइल मिल गई है। ठीक है तुझे जो चाहिए मिलेगा, लेकिन पहले तिवारी और वो फाइल लेकर आओ। सर बिजनेस मैनेजमेंट का कॉलेज खोल लेना चाहिए आपको। चलिए सर कैश लेकर आते। एक मिनट रुकिए, मैं उन्हें रवाना करके आता हूँ। बॉयज हम तिवारी के साथ इन्वेस्टिगेशन पर जा रहे हैं, तुम दोनों जूनियर हो, तुम्हारा वहां क्या काम है? सर सर जूनियर वाली टोपी मुझे पहना दी। ये साला जरूर तिवारी को उनके हवाले करने जा रहा है। सर एक बहुत अच्छी खबर है, रेड मारने की परमिशन मिल चुकी है, अब देर मत करो, गो गेट हिम। यस सर। आज तो सभी टोपी बना रहे हैं। किससे मिलना है आप? वोटर आईडी के एनरोलमेंट के लिए आई हूँ। इस घर में कौन कौन रहता है उनके फोटोज और डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फोटो ढूंढने में वक्त लगेगा। कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर लूंगी। हाँ ये कुछ पुराने फोटो मिले हैं। आप लोग कौन है भाई? सॉरी सर, वी आर फ्रॉम एंटी करप्शन ब्यूरो, हमारे पास रेड करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स सर सर्च, यस जब तक ये रेड खत्म नहीं हो जाती कोई घर छोड़ के जाएगा नहीं। सारे फोन बंद करो। घर के हर एक कोने की अच्छे से तलाशी लेना।
ये फोल्डर खोलो। ये अटल बिहारी जी। सर इसका बहुत बड़ा रैकेट है सर, बहुत से ऑफिसर्स इसके रैकेट में काम करते हैं, करप्शन का जहर पूरे सिस्टम में फैला चुका है। हमारे डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स इसके गैंग का हिस्सा बन चुके हैं, इसने दुकान खोल रखी है सर। ओह माय गॉड। सर हमें जल्द से जल्द हाँ राजीव, राजीव सर मैं आपको फोन करता हूँ। इस लिस्ट में अपना नाम देखकर चौंक गए ना? तुम दोनों ही नहीं, इस राज्य के 574 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि वो ऑफिसर कैसे बने। यही है हमारे बलदेव सहाय का मिशन। कौन सा मिशन? परेड सावधान, विश्राम सावधान। अच्छा तुम हो, तुम्हारे घर पर मैंने फोन किया था, देखा मैंने, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट सब में पास हो। मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है ना सर? लेकिन तुम्हारा नसीब खराब है, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ सर? देखो टैलेंट से कुछ नहीं होता, ये सब तो फॉर्मेलिटी की बातें हैं। असली टेस्ट तो अब होगा, वो भी 20 लाख रुपए देकर। कल ही नया रेट फिक्स हुआ है। हाँ सुनने में थोड़ा ज्यादा है। देखो बलदेव, तुम्हारे पापा मेरे कलीग ही नहीं अच्छे दोस्त भी थे, और तुम्हारी माँ मुझे घर से नाश्ता किए बिना जाने ही नहीं देती थी, और इसलिए मैंने आईजी साहब से खुद बात की और 5 लाख रुपए में बात डन कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 दिन में लिस्ट निकलने वाली है, उससे पहले पैसे जमा कर दो। अब सोच क्या रहे हो? अपना घर बाहर बेचकर बीमार माँ का ऑपरेशन करवा रहा है, अब इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? तुम बात नहीं समझ रहे हो। देखो अगर तुम कोई भी नौकरी करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह फिक्स होगी, लेकिन पुलिस की नौकरी में जितना चाहो उतना माल बनाओ। यकीन नहीं हो रहा है? अरे कल्पेश सर यहाँ आओ। सर तुमने भर्ती होने के लिए कितने पैसे दिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? और अभी तक कितने कमाए हैं? देखो इनसे डरो मत, अपने ही लोग हैं। 15 लाख रुपए सर। सच सच बताओ। 30 लाख रुपए, यही सच है। पैसे नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो बेटा, कल सुबह तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है, अगर उसे तुम्हारी नौकरी ना मिलने का पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगी। आप आ गए, सुबह से आपकी माँ आपको याद कर रही थी। तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं इस बात से ये बहुत टेंशन ले रही थी, और इन्हें देख के हमें भी टेंशन होने लगी। नौकरी मिल गई ना बेटा? सिलेक्शन हो गया माँ। मेरा बच्चा मेरे पास आ, आज तुम्हारे पिताजी होते तो वो बहुत खुश होते, इस खराब सिस्टम से वो बहुत ही निराश थे। सिग्नल पर जो भीख मांगता है और उसी सिग्नल पर जो पुलिस वाला रिश्वत लेता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। चाहे कोई भी समस्या हो तो 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। तुम्हें इस सिस्टम को बदलना होगा। तुम्हारे जैसा एक सिंसियर ऑफिसर अगर शुरुआत करे तो कल ये क्रांति बन सकती है, सारी दुनिया एक नई राह पर चलेगी। किस सोच में डूब गए बेटा? और क्या सोचेगा, तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में सोच रहा है ना। चल सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ का ऑपरेशन ठीक से हो जाए इसलिए प्रार्थना करना। अरे बलदेव तेरा नाम पुलिस में सिलेक्ट हो गया है, तेरी नौकरी पक्की हो गई। भगवान मामा जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नौकरी मिल गई। मामा जी, मामा जी ने कहा था ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगी। अगर ऑपरेशन होता तो ठीक होती ना। तूने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? कॉलर छोड़ मेरा। तुम्हारी माँ ने मना किया था। आपको पता है ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा? आपकी जान को खतरा हो सकता है। माँ जी मेरे बेटे की नौकरी मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। इस ऑपरेशन से मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और जी पाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी तो वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा। सर प्लीज इलाज के पैसे लौटा दीजिए, उन्हीं लौटाए हुए पैसों से वो पुलिस ऑफिसर बन पाएगा।
अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, जो आपके ऑपरेशन से मैं बच जाऊं। अगर मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर नहीं बना तो वो जीते जी मर जाएगा सर। डॉक्टर, मैं आपके पैर पर। क्या करिए आप? मेरे बेटे की जिंदगी अब सिर्फ आपके हाथ में है। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। 100 डायल करने पर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती। हाँ, लेकिन 100 का नोट देने से पुलिस जरूर आती है। देखो, टैलेंट से कुछ नहीं होता। अब तक कितना माल कमाया? बलदेव बेटा, बहुत से लोग पैसों से नौकरी खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की आहुति देकर तुम्हें ये नौकरी दिलवाई है। तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। जरूर बनूंगा। पुलिस के इतिहास में भी नहीं होगा ऐसा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मामा जी, खाकी वर्दी पहनने का अब मेरा एक मकसद है, करप्शन। माँ चाहती थी हर थाने में ईमानदार ऑफिसर हो, अब होगा। रिश्वतखोरी का काला बाजार बंद हो, अब होगा। बेईमान बनकर मैं ईमानदारी करूंगा। पुलिस की वर्दी रिश्वत खाने के लिए नहीं, सच्चाई से अपना फर्ज निभाने के लिए होती है। ये दुनिया को अब मैं बताऊंगा। पैसा देकर पुलिस में आने वाले पैसा वसूलने के लिए सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में बसे भ्रष्टाचार का सर्वनाश अब मैं करूंगा। 100 रुपए देने से नहीं, 100 नंबर डायल करने से काम होना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद इस देश को भ्रष्टाचार से मैं आजाद कराऊंगा। उस दिन से वो खुद तो रिश्वत खोर बन गया, लेकिन रिश्वत के पैसों से तुम जैसे न जाने कितने ईमानदार ऑफिसर्स को पुलिस में भर्ती करवा रहा है। बलदेव, उसने अपना ट्रांसफर इस शहर में क्यों करवाया है पता है? उन 574 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर गौतम भी था, जिसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया, और उन कातिलों का खात्मा करने के लिए ही उसने यहाँ कदम रखा है। उन्हें अंजाम तक पहुँचाना ही उसका मकसद है। उसने कत्ल के चश्मदीद गवाह तिवारी को भी ढूंढ निकाला है। बलदेव सहाय एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिस युग में ना तो करप्शन होगा ना ही झूठ। पावर कैसे हासिल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बलदेव दुनिया को बताएगा। छोटे भांजे, आ गया वो। बेईमानी का बादशाह अपनी जबान का भी सच्चा बादशाह निकला। ए, उससे ईमानदारी से सौदा करना। मारने वाले को पैसे की क्या जरूरत मामा? क्या मतलब? जंगल के शेर से शहर मांगने की गलती कर दी इसने। भांजे कहाँ तुम? यहाँ गड़बड़ होने वाली है। क्या? सर, यहाँ मुझे कहाँ ले आए? सर, वो मुझे मार देगा। सर, सर मुझे यहाँ से ले चलिए। सर, सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर, ये मुझे मार देंगे। सर, सर ले चलिए। तिवारी, एसीपी गौतम की पत्नी को सबसे पहले हाथ किसने लगाया? सबसे पहले मैंने, और फिर मेरे छोटे मालिक ने एंजॉय किया। क्या कर लेगा तू? तुम्हारा पाला बेईमान पुलिस वालों से पड़ा था, आज एक ईमानदार पुलिस वाले की पावर देखकर तुम्हारी रूह कांपेगी। तेरी पावर को तेरे कफन में लपेट के जला देंगे। तुझे ना तो कफन नसीब होगा, ना जलने के लिए चंदन की लकड़ी, ना ही चिता के लिए आग। तेरी लाश खाएंगे चील कौवे। यही कमर खोद डालो साले की। हरामजादों,
बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और गुनाह का अंजाम सिर्फ मौत। पेशेंट को अगर सही टाइम पर गोली ना दो तो रोग बढ़ जाता है। छोटे। सॉरी इज नो मोर। देख लूंगा सर। आज तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी दिख रही है। हमें माफ कर दीजिए सर, आपको समझने में देर हो गई। सर I'm waiting for your report. Report is ready, sir. Baldev Sahib बेकसूर है। What? जी हाँ सर, वो एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। ऐसा ऑफिसर जिस पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्व कर सकता है सर। हमें उसके साथ काम करने का मौका देने के लिए शुक्रिया सर। बंगाल टाइगर किसी जू के पिंजरे में नहीं, कलकत्ता के काली घाट में एसीपी की ड्यूटी बजा रहा है। पागल हो गए तुम लोग? दिमाग खराब हो गया है? सच कह रहा हूँ सर, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बलदेव सहाय ही रॉयल बंगाल टाइगर है सर। जो उसने कहा था वही उसने करके दिखाया। मेरे छोटे को कितनी बेरहमी से मारा है और मेरे बड़े बेटे को जेल में डाल दिया उसने। मुझे शक हो रहा है कि वो लॉकअप में गांगुली भाई का एनकाउंटर न कर दे। नहीं मारेगा, अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार देता। उसका निशाना मैं हूँ, नहीं छोड़ूंगा उसे। गीदड़ की मौत मारूंगा। प्रेस और पब्लिक ये समझ रही थी कि हम गांगुली और तिवारी के साथ ए ब्लॉक में हैं, जबकि हम बी ब्लॉक में इंतजार कर रहे थे। बलदेव
कैसे हो कांस्टेबल साहब? तीन ऑफिसर भांडा कैसे फूटा? सिर्फ उन्हें ही नहीं हमें भी सच का पता लग गया है सर। पीछे हटिए, पीछे हटाओ इन्हें। चलिए सब लोग यहां से निकलिए, पीछे हटिए। वन सेकंड प्लीज। हां मैडम बोलिए। मुझे आपके साहब से मिलना है। कमांडोस सर। चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? I'm a lawyer. चलो चलो यहाँ से। Move. Sir, please. तुम कहीं नहीं जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं जाओगी। राजीव, एम्बुलेंस। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरे फाउंडेशन का ख्याल रखोगे, बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। I love you. I love you. बारूद पर बैठकर चिंगारी से नहीं खेलते। तुम्हारी माशुका, तुम्हारे मामा जी दोनों खत्म। और मेरे खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे वेंकट उसे हमें बेच चुका है। वेंकट ना गवा रहे ना सबूत। मेरा भाई कोर्ट जाएगा तो जरूर, लेकिन बाइज्जत बरी होगा। तुझे जिंदा जलाने के बाद मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा। मेरा चैलेंज है, गेट रेडी। अगर तेरा भाई कोर्ट ही ना पहुंचे तब क्या होगा? गांगुली के कोर्ट जाने से पहले हमने उसे किडनैप कर लिया। उसे पास रखकर पूरे कोलकाता के सामने जयवर्धन को एक्सपोज करने का प्लान बलदेव सर का ही था, मगर इस मिशन में फिर हम दोनों ने इस अधूरे मिशन को पूरा करने की कसम खाई। इसलिए हमने धमकी देकर जयवर्धन को रिजाइन करने को मजबूर किया, लेकिन उसने मीडिया के सामने ड्रामा किया और किसी तरह बच निकला। इसी बीच जयवर्धन तुमसे मिला और तुमने गांगुली को उसके हवाले कर दिया और पूरे प्लान को बर्बाद करके रख दिया। हेलो, क्या कल रात कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर पुलिस की मदद से जयवर्धन ने अपने भाई गांगुली को गिरफ्तार करवाया?
गांगुली भाई के गैर कानूनी धंधों के पीछे सीएम का हाथ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आज तक जिस सीएम की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस घटना की वजह से पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। सीएम साहब को हिरासत में ले लिया गया है। जयवर्धन ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी खुद की नई जय जनता पार्टी शुरू करने की घोषणा की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम पद के लिए खड़े होने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एजीएन न्यूज। अगर वो कमीना जयवर्धन सीएम बन गया तो पूरे शहर में आतंक और भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बलदेव सर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना जरूर पूरा होगा, मैं बलदेव का सपना पूरा करूंगा। जयवर्धन जिस सीएम पोस्ट को हासिल करने का ख्वाब देख रहा है, जिस पावर के लिए उसने मुझसे गलत काम करवाए, वो पावर मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। आज तक जयवर्धन बेईमान पुलिस ऑफिसर्स के सहारे ऊंचाई तक पहुंचा है। बेईमानी के साम्राज्य तक जाने वाली उन सीढ़ियों को मैं आज जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। फिर से दिया बुझ गया, आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो चितर बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काओ करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माता जी? हम कौओं पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भौ भौ करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई इन्होंने, पहनाई। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो, निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों, ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा, मतलब मॉर्गेज रखा। मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूं। आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, पीनी नहीं पिलानी है। तो फिर क्यों रे, बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मरमर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। हाँ, और कॉफी चाहिए? नहीं, नहीं, जाओ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या साले? इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं
और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दें। आओ ना। हैं? क्या है ये? मैं हूँ। आओ। तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। चीयर्स। आज जितनी पिला दी पैसे पड़े मिले क्या? आपने मेरी लाइफ बदल दी। ये 2% की टकिला क्या है? आप कहे तो ड्रम मंगवा लो। ने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे दी। 15 सालों से अपनी पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा हूँ। साले लोगों ने एक पार्टी में कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाया मुझे। जियो राजा। पीने के साथ साथ इससे कुल्ली भी कर सकते हो। बिल मैं भरूंगा। बिल्कुल नहीं, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से है, इसलिए सब कुछ फ्री। ए, मत भूल कि तू भी एक मजदूर है, इस तरह पार्टी देगा तो मजबूर हो जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये पूरा पब मेरा है। चोर बाजार की पतलून और कमीज पहनकर सेठ होने का ढोंग कर रहे हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना, 3.25 साल पहले मैं इस पब में वेटर था। अच्छे दिन आ गए, मालिक बन गया। इतनी जल्दी तुझे करोड़पति किसने बना दिया? जरा मुंडी उस तरफ करके देख ले। निरुपमा जी है, मेरी माता जी। माता जी पब में क्यों? प्रवचन दे रही है। प्रवचन नहीं, परिचय दे रही है। ऐसे हिल हिला के डांस कर रही है। अरे वो डांस नहीं कर रही है, लोगों को मन का सुख पहुंचा रही है। जिस तरह लोग हिमालय पर्वत और घने घने जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, उसी तरह वो इस पब में तपस्या कर रही है। उन्हीं की दी हुई रिंग से पब का एक मामूली वेटर, जो लोगों के झूठे बर्तन उठाया करता था, वो इस अखे पब का, मेरा मतलब पूरे पब का मालिक बन बैठा है। सनी लियोनी को इन्होंने रिंग पहनाई थी, आज वो हिंदी फिल्मों की स्टार बन गई। हाँ, अरे इतना ही नहीं, एक ढीले को रिंग पहनाई थी, आज वो एकदम पावरफुल और कड़क हो गया। तुम लोगों को भी रिंग डलवानी है क्या? अरे कहाँ चला गया? ये किसने डाली? देखते हैं इस चमत्कारी रिंग से उसकी किस्मत में चमत्कार होता है या फिर हाहाकार। थैंक्स नीरू। थैंक्स क्यों कह रहे हो? क्या स्नेक काम में मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती? हे रुको, गंगुली भाई के लिए आया राजा। 2 मिनट वेट करो। ओके राजा। इधर कोपचे में तुझे वीडियो दिखाता हूँ। जब देखो भूख लगी रहती है। बिना दिखाया अब रहा नहीं जाता। क्या दिखा रहा है? खुद ही देख लो। हाँ देखने दे। झटका लगा देखकर, अब तो मेरा इशारा समझ गए। एक दूसरे के लिए यही वीडियो दिखाने के लिए तड़प रहा था कब से। अब तुम खुद मेरे फैन बन जाओगे। नई दोस्ती शुरू करते हैं। आ गले लग जा। अबे अरे मेरे पिछवाड़े क्यों पड़ा है? मैं वैसे टाइप का नहीं हूँ। अरे मुझे घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ, कैरेक्टर का लोचा लगता है, बच के रहना पड़ेगा। ये क्या गंगुली भाई, कल तो सीट का दाम 25 करोड़ बताया था, रातों रात डबल कर दिया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से तुम गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, इसे वही मान लो। तो ठीक है, मैं भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे तुम्हारी पार्टी की कोई जरूरत नहीं। सर, बाहर मर्डर करने वाले को जेल में डालते हैं, जेल में मर्डर करने वाले को कहाँ डालते हैं? अच्छा सवाल है, मारने वाले से पूछ। बाप रे, ये नमूना कौन है? ये बलदेव की बहन का पति है, रेडीमेड नौकर। ये शक्ल से ही भुखड़ नजर आता है। शुरू हो जाइए सर। ए पीए, भैया से बोल देना कि सबसे पेमेंट आ चुका है। हाँ, और कहना कलेक्शन पूरा 750 करोड़ है। 750 करोड़? ये सरासर अन्याय है, ऊपर वाला देख रहा है, वो जरूर तुम्हें सजा देगा। अबे पागल, तू ऊपर जाएगा तो उसे जरूर पूछना,
मेरा बाल भी क्यों नहीं बाका कर सका वो? अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो अगला नंबर तेरा। ए जोकर, चल बाहर निकल। क्या बजाई है वक्त ने, किसी जमाने में मैं पुलिस अफसर था, आज एक गुंडे का बावर्ची बना हूँ। पता नहीं ये मेरे कैसे पापों के फ्रूट्स हैं। मैं पहले यहाँ का सीएम रह चुका हूँ, खाना खाने के बाद ये मुझसे सफाई करवाएगा। अब बताओ बुरा वक्त किसका है? ओहो। एक अज्ञात व्यक्ति ने सारे टीवी चैनल्स को ये वीडियो क्लिप भेजा है। इस फुटेज से ये पता चलता है कि एक नेता ने किसी तरह लोगों को बहला फुसला कर उनके साथ विश्वासघात किया है। ये वीडियो है भूतपूर्व होम मिनिस्टर मिस्टर जयवर्धने का, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। भैया से बोल देना कि सबसे पेमेंट आ चुका है। हाँ, और कहना कलेक्शन पूरा 750 करोड़ है। ये सरासर अन्याय है, ऊपर वाला देख रहा है। तू ऊपर जाएगा तो उसे जरूर पूछना, मेरा बाल भी क्यों नहीं बाका कर सका वो? अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो अगला नंबर तेरा। ऊपर वाले की बात कर रहा है, चल निकल। हमारी बातें तो टीवी पे आ रही है। क्या हुआ? जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ, मेरा बनाया हुआ पॉलिटिकल करियर एक झटके में खत्म हो गया। कैसे? बता करो इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है, जला दो उसे। जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ, मेरा बनाया हुआ पॉलिटिकल करियर एक झटके में खत्म हो गया। बता करो इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है? राजा, आप जो भी बात कर रहे हैं सब टीवी पर आ रहा है। अभी अभी आपने पकड़ा, वो भी टीवी पर दिख रहा है। वाह 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 वाह, टीवी के साथ कैमरा भी। लेकिन ये खुफिया बंदी कर कौन रहा है? तू है क्या? ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, रिंग ऑपरेशन है। कैमरा इस रिंग में है, रिंग में देखो। ए अकल को थोड़ी घास खिला। क्या बात है, मैं तो टीवी पर दिख रहा हूँ, छा गया मैं सबके सामने। अरे वाह, तुम भी दिख रहे हो। ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। अगर इसके पीछे तेरा हाथ नहीं तो ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? राजा जी, मैं नहीं जानता, ये रिंग निरुपमा ने पहनाई और कहा कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। निरुपमा? लेकिन वो तो रवि की गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब इस षड्यंत्र के पीछे रवि का हाथ पैर है। तेरा साला कुत्ते की मौत मरेगा। पतली गली से निकल लो। बता 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 कहाँ है वो, नहीं तो जान से मार दूंगा। बता। बीवी, वो तो सिर्फ पार्टनर्स हैं। मैं जीजा और गिरवी हूँ, मेरा क्या हाल करेगा? तुम्हें मारेगा नहीं, बसंती डांस करवाएगा। ए सुन चपड़गंजू, तू पब का मालिक बनकर मेरी किस्मत चमकाने वाला था ना, अब देखना तू जूते और चप्पल चमकाएगा। रवि भैया को आने दो, देखना वो सबको चमका देंगे। और साले। कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, घबराओ मत, मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे लेवल के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी रिवर्स लो। अपने दो सिंसियर ऑफिसर्स को मैंने एक रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ने भेजा था, लेकिन वो तो उसी के फैन बन गए। उनका कहना है कि बलदेव सहाय एक मिसाल है, और अपनी ड्यूटी भुलाकर वो उसी की ड्यूटी बजाने लगे। मेरे मन को ठेस पहुंचाई। फिर मैंने खुद बलदेव की इंक्वायरी शुरू की। उसका सच पता चलने के बाद मैं खुद भी उसका फैन बन गया। जो मर चुका है उसकी तारीफ करने का मतलब क्या है? मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। बताने से पहले एक चेतावनी, बीपी पेशेंट्स टैबलेट लेने, डायबिटीज वाले इंसुलिन, हार्ट पेशेंट कान बंद कर ले, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद किसी को कुछ भी हो सकता है। ए, चल बोल। बलदेव और रवि अलग इंसान नहीं है, दोनों एक ही है। एक ही आदमी है? कोई चूरन तो नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। राम और श्याम की कहानी सिनेमा में सच होती, रियल लाइफ में नहीं। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बलदेव नहीं मरा। हवन चल रहा था, अचानक से हॉस्पिटल क्यों बुलाया? नाकाबंदी में हमें स्मगलिंग का सामान मिला, और ये ऑफिसर, इसकी याददाश्त चली गई है सर। क्या हमेशा के लिए? सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त खो चुकी है। ये कौन है, कहां से आया है, कहां रहता है, ये सब भूल चुका है, यहां तक कि अपना नाम भी। एक सेकंड, क्या हुआ? सुनिए जी, कुंभ के मेले में मेरा जो भाई खो गया था उसके लिए इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे और आपका कुछ पता ही नहीं, कहां है आप? एक जरूरी काम था, आता हूं। यज्ञ को बीच में छोड़ना अशुभ होता है, प्रायश्चित के लिए आपको काशी जाकर 12,000 ब्राह्मणों के साथ हवन करना होगा। 12,000 ब्राह्मण? घर बार बिकवा कर मुझे ही मंदिर में पंडित बना देगी, पूजा की जरूरत ही नहीं है। एक खुशखबरी है, तुम्हारा भाई मिल गया। सच में? जब उसकी याददाश्त गई तो उसे रवि बनाकर इंस्पेक्टर ने उसे अपने घर में शरण दी, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी किसी तरह से कन्विंस कर लिया। खर्चे से बचने के लिए कहा, मुझे लगा कि ये कोई मामूली इंसान होगा, बलदेव सहाय निकला। याददाश्त खोने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी भूला नहीं, सिर्फ नेम प्लेट बदली, वरना बलदेव जैसा कल था आज भी वैसा ही। सबसे मजेदार बात पता है क्या,
बलदेव खुद की असलियत ही नहीं जानता, रवि के नाम से ड्यूटी निभा रहा है। अगर उसे ये याद आ जाए कि वो बलदेव है तो जरा सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम लोग ये मत समझना कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। मैं चाहूं तो अभी तुम लोगों को अरेस्ट करवा सकता हूं, पर अपनी ड्यूटी से ज्यादा उसके जज्बात की फिक्र है। ऑफिसर्स जल्दी से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। यस सर। ए गांगुली, डरने की कोई जरूरत नहीं। रवि को हम ये नहीं बताएंगे कि वही बलदेव सहाय है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके भरे जख्म फिर से हरे हो जाएं। डायलॉगबाजी बनकर, अबे तू बताया ना बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भांजे रवि हो या बलदेव, ये दोनों हमारे लिए मौत का पैगाम है और कुछ नहीं। अब वो खोलता हुआ लावा है। तुम्हारा साथ देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम दोनों के चक्कर में वो मुझे भी मार देगा। जो डर गया वो मर गया। ए, उस लड़के को मेरे सामने लाओ। नहीं, तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां बलदेव की गर्लफ्रेंड को पहुंचाया था मैंने। क्यों डर गया क्या? सुनामी से पहले का तूफान है। अगर तुम जैसे सुतली बम के पास इतना दिमाग है तो सोचो मुझ जैसे तोप के पास कितना होगा। बॉर्डर के उस तरफ ही नहीं, इस तरफ भी देश के दुश्मन है, ये बोलकर कुछ घंटों के लिए मिलिट्री से टैंकर उधार लेकर आया हूँ। वो लोग मना नहीं कर सके मेरी विश। गुंडा पार्टे, तुम सबको कर दूंगा फिनिश। अबे शकल क्या देख रहा है, सबको छोड़। तुमने दिवाली के पटाखों के बॉम्ब को फटते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस छोटे साइज के असली बॉम्ब का धमाका देखो। क्यों बे, मुझे डांस करवाने वाले थे ना, अब मैं तुमको ताता थैया नचाऊंगा। कम ऑन डांस, नाचो चम्मक झल्लो। अब नाचते हो या उड़ा दूं सबको। अरे एक मिनट रुक जाओ। रो जाओ। राजा अगर डांस नहीं भी आता ना तो मैं बताऊंगा डांस करना, लेकिन डांस तो करना है। दबाऊं क्या? हां नाच रहे। अरे बस करो, इतने अच्छे गाने पर इतना गंदा डांस कर रहे हो। जीजू डांस पेश किया जाए। जीजू डांस? इतने फेमस डांस के बारे में नहीं जानते? अब दबाई देता हूँ। ए दबाना मत, करते हम लोग। लोग बाराती और ये गांगुली के दूल्हा है। नहीं नाचेगा वो। क्या उसका बाप भी नाचेगा? बोलता हूँ वो नाचेगा। अबे रुक, अब क्या हो गया राजा? क्या उसको गर्मी लग रही है और तू नाचते हुए उसे हवा दे रहा है? राजा गांगुली कांड डांस आला, अब तो दबाना ही पड़ेगा। उड़ा दूंगा। पानी का टैंक, गोले का टैंक कहाँ है? गोले का भाड़ा ज्यादा था। ओ मत छोड़ना इन नमूनों को। बमबारी की जगह लात मारी। Ah!
मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैंने बलदेव साहे को धोखा दिया। अगर मैं अब भी नहीं बदला तो मुझे ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। उसे सलाखों के पीछे डाल दो। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूं। आप कहां जा रहे हैं सर? पुलिस डिपार्टमेंट को बलदेव सहाय जैसे ऑफिसर की जरूरत है। उनके मिशन को आप ही आगे बढ़ाएंगे सर, प्लीज। अगर तुम मुझे रिंग पहनाओगे तो मैं अपना रिंग का बिजनेस छोड़ दूंगी। बाप रे, तो फिर मेरा क्या होगा? इसे चलती फिरती दुकान बन जा। dan 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 dan